कल हिंदुस्तान भर में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया गया। कोई कल्पना कर सकता है कि कैसा व्यक्तित्व होगा कि आज हजारों साल के बाद भी हर उत्सव नयापन लेकर के आता है, नई प्रेरणा लेकर के आता है, नई ऊर्जा लेकर के आता है, और हजारों साल पुराना जीवन ऐसा कि जो आज भी समस्याओं के समाधान के लिए उदाहरण दे सकता हो, प्रेरणा दे सकता हो। हर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के जीवन में से वर्तमान की समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। इतना सामर्थ्य होने के बावजूद भी कभी वो रास में रम जाते थे, तो कभी गायों के बीच, तो कभी ग्वालों के बीच, कभी खेलकूद करना, तो कभी बांसुरी बजाना। न जाने विविधताओं से भरा ये व्यक्तित्व अप्रतिम सामर्थ्य का धनी, लेकिन समाज शक्ति को समर्पित, लोक शक्ति को समर्पित, लोक संग्राहक के रूप में नए कीर्तिमान प्रस्थापित करने वाला व्यक्तित्व। मित्रता कैसी हो तो सुदामा वाली घटना कौन भूल सकता है। और युद्ध भूमि में इतनी सारी महानता के बावजूद भी सारथी का काम स्वीकार कर लेना, कभी चट्टान उठाने का, कभी भोजन के पत्थर उठाने का काम, यानी हर चीज में एक नयापन सा महसूस होता है। और इसलिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं दो मोहन की तरफ मेरा ध्यान जाता है। एक सुदर्शन चक्रधारी मोहन, तो दूसरे चरखाधारी मोहन। सुदर्शन चक्रधारी मोहन यमुना के तट को छोड़कर के गुजरात में समंदर के तट पे जाकर के द्वारका की नगरी में स्थिर हुए, और समंदर के तट पर पैदा हुए मोहन यमुना के तट पर आकर के दिल्ली में जीवन के आखिरी सांस लेते हैं। सुदर्शन चक्रधारी मोहन ने उस समय की स्थितियों में हजारों साल पहले भी युद्ध को टालने के लिए, संघर्ष को टालने के लिए अपनी बुद्धि का, अपने कर्तव्य का, अपने सामर्थ्य का, अपने चिंतन का भरसक उपयोग किया था। और चरखाधारी मोहन ने भी तो एक ऐसा रास्ता चुना स्वतंत्रता के लिए, मानवीय मूल्यों के जतन के लिए, व्यक्तित्व के मूल तत्व को सामर्थ्य दे इसके लिए आजादी के जंग को एक ऐसा रूप दिया, ऐसा मोड़ दिया जो पूरे विश्व के लिए अजूबा है, आज भी अजूबा है। निस्वार्थ सेवा का महत्व हो, ज्ञान का महत्व हो, या फिर जीवन में तमाम उतार चढ़ाव के बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने का महत्व हो, ये हम भगवान कृष्ण के संदेश से सीख सकते हैं। और इसीलिए तो श्री कृष्ण जगतगुरु के रूप में भी जाने जाए। कृष्णम वंदे जगतगुरुम।